निराला जी के सरोज स्मृति के साथ शमशेर की शोक गीतों को तुलना किए थे और ये विचार गोष्ठी से हमको रंगस्थल तक लेके गए थे। अभी गुरु जी मोहन सिंह जी को मैं आपके भाषण देने के लिए आमंत्रण कर रहा हूँ। श्रद्धेय प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, परम आदरणीय भाई प्रोफेसर कट्टिमणि जी, आदरणीय डॉक्टर अब्दुल अलीम जी, आदरणीय भाई डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर श्रवण कुमार मीणा जी, श्रद्धेय डॉक्टर हीरालाल बछौतिया जी, भाई डॉक्टर जीवी रत्नाकर जी, बहन डॉक्टर नीरजा जी, सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों, छात्र छात्राओं, आपको प्रणाम। यहाँ अलग अलग लोगों ने शमशेर को अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास किया है, यानी कोई उनको प्रगतिवादी मानता है तो कोई प्रयोगवादी, और फिर जो है अभी हीरालाल बछौतिया ने कहा कि शमशेर शासकों के विरोधी थे, शोषकों के विरोधी थे, यानी फिर शोक गीतों के प्रणेता थे। तो इस तरह से शमशेर यानी प्रासंगिक थे। मुख्यतः हीरालाल बछौतिया ने कहा कि शमशेर शासकों के विरोधी थे, शोषकों के विरोधी थे, यानी फिर शोक गीतों के प्रणेता थे। तो इस तरह से शमशेर यानी प्रासंगिक थे। मुख्यतः शमशेर प्रासंगिक हैं, इसलिए आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। अगर उनकी रचनाएं प्रासंगिक नहीं होती तो आज हम उनका स्मरण नहीं करते। यहाँ रत्नाकर, भाई रत्नाकर ने यानी शमशेर के प्रगतिवादिकता के संदर्भ में उनकी तुलना सृष्टि से करते हुए यानी थोड़ा सा यानी संकेत दिया है। मैं उसको विस्तार देना चाहता हूँ, क्योंकि यानी गत वर्ष ही हमने श्री श्री की जन्म शताब्दी मनाई है, और श्री श्री आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े प्रगतिवादी साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने महाप्रस्थानम नामक एक काव्य लिखा, और उन्होंने कहा कि मरो प्रपंचम, मरो प्रपंचम, मरो प्रपंचम पिलचिंदी, पदंडी मुंदुकु, पदंडी त्रोसुकु, पोदाम पोदाम पै पै की, एक नया जग, एक नया जग रहा पुकार। इस तरह से उन्होंने यहाँ की जनता को यानी प्रेरित किया था, और फिर एक मार्क्सवादी रचनाकार के रूप में यानी उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को ललकारा था। वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब जलगम वेंगल राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कल्लूर जूनियर कॉलेज के यानी वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए श्री श्री मद्रास से कल्लूर आए, सिर्फ वहाँ के छात्रों ने एक पोस्ट कार्ड लिखा कि हम वार्षिकोत्सव कर रहे हैं, यदि आप आ सके तो बेहतर होगा। तो स्वयं वो जो है रेल में आए, फिर उसके बाद बस में आए, रिक्शा में कॉलेज तक आए, और उन्होंने वहाँ कहा कि चंद्रमंडलम वेल्लालंटे कम्युनिस्टु कावाली। उस समय यानी पहली बार चंद्रमा तक पहुँचने का जो यानी जो स्थिति थी, वो रशियन लोग वहाँ पहुँच चुके थे, वहाँ उनका यान पहुँचा था। तो उन्होंने कहा, और उसके बाद वेंगल राव की निंदा की, और यानी मुख्यमंत्री को उनके अपने गांव में उनके लोगों के सामने, उनके बेटे के सामने गालियाँ दी। यानी ये इतने बड़े साहसी व्यक्ति यहाँ थे, और इसलिए उन्होंने कहा था कि ये देश चरित्र सूचना ये मुन्नति गर्व कारणम, नरजात चरित्र समस्तम परपीड़न परायणत्वम। यानी देशों के इतिहास को देखने से क्या मिलता है, और देशों के इतिहास में यही लिखा हुआ है किस तरह से लोगों का शोषण किया गया है, यही देशों के इतिहास में है। ये कहते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों को बदलने का जो प्रयास किया, ये यानी जनता के पक्षधरता है। यानी जो लेखक जनता का पक्षधर है और वो महान है, क्योंकि देश से प्रेम करने का मतलब है, देश प्रेम का अर्थ है जनता के प्रति प्रेम। इसीलिए तेलुगु के महाकवि गुर्जाड़ा ने कहा कि देशमुनु प्रेमिंचुमन्ना मंची अन्नदि पेंचुमन्ना, देशमंटे मट्टी कादोय देशमंटे मनुजुलोय, यानी देश को तू प्यार कर। कहते हुए वो कहते हैं कि देश का अर्थ यानी धरती नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यानी नहीं है, देश का अर्थ है जनता। यानी जो आदमी जनता से प्यार करता है वो देश प्रेमी है, जो जनता से प्यार नहीं करता वो देश प्रेमी नहीं है। तो यहाँ यानी शमशेर एक मार्क्सवादी ही नहीं, एक देश प्रेमी के रूप में यानी हमारे सामने आते हैं। और फिर प्रयोगवाद यानी लेखक का कर्तव्य ही है कि प्रयोग करता है, हर लेखक अपने ढंग से नए नए प्रयोग करना चाहता है। जो नए प्रयोग नहीं करना चाहता यानी वो एक अच्छा लेखक बन ही नहीं सकता। इसलिए यानी शमशेर एक प्रयोगवादी के रूप में हमारे सामने हम आते हैं।
और उसके साथ साथ शमशेर के सबसे बड़ी विशेषता हिंदुस्तानी के पक्षधरता है, यानी इस देश में हिंदी उर्दू को मिलाकर के जो चलने वाली जो स्थिति है और जिसे महात्मा गांधी ने उसका बीड़ा उठाया था और प्रेमचंद ने जिसे आगे बढ़ाया था और उसे ये आगे बढ़ाने का प्रयास करे और हिंदी प्रेमी के रूप में, उर्दू प्रेमी के रूप में, यानी भारतीय भाषाओं के प्रेमी के रूप में इन्होंने जो यानी लेखन कार्य किया है ये महत्वपूर्ण है। और इस तरह से यानी महात्मा गांधी की तरह, प्रेमचंद की तरह हमारे लिए आदरणीय हैं और अनुकरणीय हैं, क्योंकि ऐसे ही रचनाकारों के कारण आगे भारत में एकता बनी रहेगी और भाषा प्रेम बना रहेगा और हिंदी का विकास होगा, उर्दू का विकास होगा। और इसलिए यानी शमशेर जैसे रचनाकारों की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ यानी अभी शमशेर में शरीयत है, गज़लियत है, यानी ये बतलाया गज़लकार के रूप में शमशेर का जो लेख प्रस्तुत किया गया डॉक्टर मीना का बहुत अच्छा था, यानी एक नए विषय को लेकर के नए रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और फिर जो है प्रेम शमशेर की दृष्टि में प्रेम एक मधुर उष्मा है, ये कहा एक प्रेम एक मधुर दर्द है यहाँ बतलाया गया। तो ये जो है यहाँ प्रेम के संदर्भ में सिर्फ वासना की दृष्टि से नहीं, यानी संपूर्ण मानव जाति से प्रेम की जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। और यानी फिर यहाँ बच्चों यानी कहा कि बुढ़ापे में वो रोमानी हो गए और ज़्यादा रसिक हो गए वाली बात, यानी ये मजाक में किसी ने कहा है, लेकिन यानी उस रूप में रचनाकार को यानी नहीं नहीं आपने नहीं मीना जी ने कहा, मीना जी ने कहा, मैं मीना जी की बात कर रहा हूँ। यहाँ यानी मजाक में किसी ने कहा होगा, लेकिन यानी व्यक्ति की रोमानियत, व्यक्ति का जो है रसिक होना रचनाकार, वो व्यक्ति के रूप में हो सकता है, एक रचनाकार के रूप में नहीं। यानी रचनाकार जो है रोमानी या यानी रसिक नहीं हो सकता। और इस तरह से यानी ये सियासी दंगल के संदर्भ में यहाँ एक बात यानी बतलाने की आवश्यकता है कि यानी आज की राजनीति घिनौनी राजनीति है, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि राजनीति में त्यागी लोग आते थे और अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहते थे। और इसीलिए यानी श्री श्री ने कहा कि तेल्लवाड़ निन्नु भगत सिंह अन्नाडु, नल्लवाड़ निन्नु नक्सलाइट अन्नाडु, यानी यहाँ राजनीति में एक ज़माने में जो भी क्रांतिकारी थे उनको भगत सिंह माना जाता था। और यहाँ आंध्र प्रदेश के संदर्भ में श्री श्री ने कहा कि आज जो है जो भी क्रांतिकारी है उसको नक्सलवादी कहा जा रहा है। इस तरह से जो बात कही थी यहाँ यानी सियासी दंगल की जो बात है उस दृष्टि से देखें तो आज के जो राजनीतिज्ञों की जो घिनौनापन है उसको हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। और इस तरह से यानी शमशेर की कविता के विभिन्न संदर्भों को लेकर के आज की जो चर्चा हुई वो चर्चा बहुत अच्छी हुई, और इसलिए मैं सभी वक्ताओं को बधाई देता हूँ। सब लोगों ने यानी मेहनत करके, तैयारी करके सब आए और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मेरे लिए भी यानी शमशेर के जो है अभी शोक गीत वाली जो बात की थी आपने बतलाया, वो मेरे लिए नई बात थी, मैंने यानी मुझे उसका ज्ञान नहीं था, और लेकिन इससे मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। और आपको सभी को धन्यवाद, और यहाँ उर्दू विश्वविद्यालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को धन्यवाद। नमस्कार। गुरुजी मोहन सिंह जी ने अपने भाषण में श्री श्री के जो कविता बताया, तेल्लवाड़ नेड़ निन्नो भगत सिंह अन्नाडु, नल्लवाड़ नाड़ निन्नो नेड़ निन्नो नक्सलैटू अन्नाडु, यल्लवारु रेपु निन्नो వేగు చుక్క అంటారు. ఎల్లవారు బోలేతో సభీలో ఆపకు ధ్రువతారా దేశా బోల్తే ఇన్కి లాస్ట్ లైన్ అవి మరి సాతి కరణ్ సింగ్ జీ సే అనురోధ్ కర్రా ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ ఆప్ సభీ జేసే జాంతే హీ హోంగే లేకిన్ ఫిర్ భీ మై కహనా చాతా హూ కి అభి 6 బజే డీడీ ఆడిటోరియం మే ఏక్ నాటక హై మై రాహీ మాసూమ్ యే నాటక కి ఖాసియత్ యే హై कि जो भारत रंग महोत्सव होता है न्यू दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो आयोजित करती है, उसमें भी इसको सराहा गया है। पूरे वर्ल्ड से जो 400 नाटक आए थे उसमें, उनमें से 80 नाटकों को सेलेक्ट किया गया था, उनमें से एक मैं राही मासूम है। और इसके साथ साथ ये नाटक हैदराबाद में भी बहुत जगह हो चुका है,
और हबीब तनवीर अवार्ड भी मिल चुका है इसको, भोपाल में भी हुआ है ये। और यही नाटक आज हमारे उर्दू विश्वविद्यालय के डीडी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर ज़रूर पधारिएगा, और हिंदी साहित्य से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए देखना मैं समझता हूँ कि काफ़ी सही या साबित होगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर सारा का सारा मान लीजिए जैसे ये हिंदी साहित्य वाले ही है, हिंदी और उर्दू दोनों से जुड़े हुए हैं। मैं रही मासूम रज़ा, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग वहाँ पधारिएगा, कोई भी मिस ना करे, ये मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद भाई, आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस सत्र के अध्यक्ष द्वय आदरणीय डॉक्टर सत्यकाम जी और डॉक्टर टी मोहन सिंह जी के प्रति आयोजित संस्थाओं की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। प्रमुख भाषा चिंतक, देश के बहुचर्चित भाषाविद, वाक्पटुता में निपुण, गंभीर विषय को भी सरल भाषाओं में श्रोताओं के मस्तिष्क में बैठाने वाले श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर दिलीप सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा ने समाज भाषा विज्ञान की एक संकल्पना को आधार बनाकर शमशेर की कविताओं का सर्वथा अभिनव पाठ प्रस्तुत किया। ललित निबंध जैसे इस रुचिपूर्ण आलेख के लिए मैं आयोजकों की ओर से प्रोफेसर शर्मा के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर हीरालाल बाछौतिया ने शमशेर की संवेदना को शोक गीतों की आईने में इस तरह प्रतिबिंबित किया कि श्रोता मुग्ध हो गए। आपके प्रति भी हार्दिक आभार। डॉक्टर अब्दुल अलीम ने हमारे अनुरोध पर यहाँ आकर शमशेर की काव्यानुभूति पर प्रकाश डाला है, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर श्रवण कुमार मीना ने शमशेर की गज़लों को गहराई से स्पर्श किया है और वह काबिले तारीफ है, इसके लिए मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं पर डॉक्टर शंकर तीर्था ने प्रकाश डालने के प्रयास किए हैं, और इसके लिए मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों और साहित्य प्रेमियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।